डुमरी प्रखंड के जामतारा पंचायत के पीडी टाड़ गांव निवासी टुकामन महतो गुरुवार की रात्रि रेफरल अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद जीप सदस्य सुनीता कुमारी, जामतारा मुखिया खेमलाल महतो, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार व परिजन रात्रि 10 बजे अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना में बैठ गए, जो खबर प्रेषण तक जारी था। धरना दे रहे प्रतिनिधियों एवं परिजनों चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर पर हो हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। घटना की खबर पाकर डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, सीओ धनंजय गुप्ता, डुमरी थाना के प्रभारी राजू मुंडा अस्पताल पहुंच धरना दे रहे लोगों व परिजनों से घटना की जानकारी ली, साथ ही वार्ता कर शव का पोस्टमार्टम भेजने का आग्रह किया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक मरीज को इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन लगा रखा था। बिजली गुल होने के लिए एक घंटा तक बिना बिजली ऑक्सीजन लगा रहा, जिसके ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की दम घुटने से मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि बिजली गुल होने की जानकारी जब रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश महतो को दी गई, तो उनका कहना था कि विभाग से डीजल नहीं मिलता है, जनरेटर कैसे चलाएं। वहां जनप्रतिनिधियों का कहना था कि यह कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण होती रहती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। वीडियो ने घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की बात करते हुए पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 नगद व पेंशन देने की बात कही। बैठे हुए हैं, कल हम लोग गांव में एक टुकामन महतो नाम का व्यक्ति था, उसका तबीयत बिगड़ने के कारण शाम को रेफरल हॉस्पिटल लाए थे हम लोग। तो इलाज चल ही रहा था, डॉक्टर साहब जितेंद्र कुमार थे, उनको लगा कि ऑक्सीजन का इनके कमी हो रहा है, तो वह ऑक्सीजन लगाएं, और वह एक ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रिक वाला लगा दिया। तो बताया कि नहीं, यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं, इसको जो है ना रेफ़र कर दिया जाएगा। हम लोग, ठीक है रेफ़र कर दिया जाएगा, तो रेफ़र कागज़ बना दीजिए, हम लोग इसको बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाएंगे। उसी दरमियान क्या हुआ कि उसका जो है ना हॉस्पिटल का बिजली चला गया, और बिजली जब चला गया तो चूँकि वह ऑक्सीजन जो लगा हुआ था वह इलेक्ट्रिक से चलने वाला था, जनरेटर में जो है तेल नहीं रहने का कारण जो है जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाया। जनरेटर स्टार्ट होते होते लगभग 20 मिनट हो गया, और डॉक्टर साहब या ध्यान नहीं दे पाए या कुछ भी हुआ, जिसके कारण से जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो उसका मास्क था वो लगा रह गया, और वह मरीज जो था उसको है ना तड़प कर। क्या मांग करते हैं हम लोग? मांग यही करते हैं कि ये जो मौत है यह स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे न किसी कारण है, और जो इसका जवाबदेह है जिम्मेवार है मौत का, उस पर हत्या का जो है ना आरोप लग गया, हत्या पर एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरा बात है, यहाँ पर जो व्यवस्था है सही मायने में देख सकते हैं कि जहाँ पर अभी मरीज जिस बेड पर है उस पर किसी प्रकार से एक बेडशीट तक भी जो है ना मुनासिब नहीं मिला है, तो इसीलिए धरने में बैठे हैं। जब तक इसके पर ठोस पहल ना हो तब तक हम लोग बैठे रहे। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? देखिए, यहीं बगल का अपना जामतारा पंचायत में ही हम लोग बैठे हैं, बगल के गांव चिड़ी टाँड है, वहाँ के रहने वाले हैं टुकामन महतो जी। उनको अचानक हमको लगता है कि जैसा बताया जा रहा है कि ठंड लग गया, दिन भर मजदूरी करके आया, शाम को खाना वाना खाया, फिर ठंड वगैरह लगा तो आनंद फान में उसको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाया तो डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला आता है कोई तो इलेक्ट्रिक वाला ऑक्सीजन लगाया, और ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, लेकिन लाइन कट जाती है। लगभग 20 मिनट तक वो इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन ऐसे लगा रहता है, अंधेरे में रहता है अस्पताल। परिजन देखते हैं कि पेशेंट इधर उधर करने लगा है, मतलब दम उनका घुटने लगा था, तो फिर डॉक्टर को बोले कि ऐसा देखिए ना पेशेंट का दम घुटने लगा है, तो देखा लाइन कटल है, तो फिर जनरेटर चालू करने गया तो जनरेटर में डीजल नहीं। मतलब 20 मिनट तक जो यहाँ पेशेंट था टुकामन महतो जी, उनका दम घुटने लगा, तड़प तड़प कर उसका जान गया, और डॉक्टर समझिए एक तरह का तमाशा देखते रहे। जब उनको पता है कि उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला लगाए हैं तो उस पर ध्यान रहे, लाइन कटने का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक का व्यवस्था करें। प्रभारी चिकित्सक से बात करते हैं तो कहते हैं कि डीजल हमको विभाग से नहीं मिली। हम लोग मांग किए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सब लोग बैठे हैं, परिजन का भी मांग है कि जान बूझ करके टुकामन महतो का एक तरह का हत्या किया गया है, और वैसे लापरवाह डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज हो,
पर कार्रवाई हो। और इस तरह का घटना लगातार यहाँ घटते रहता है, व्यवस्था एकदम चौपट है, मोमबत्ती के सहारे चलता है। अभी आप देख सकते होंगे पेशेंट जो मृतक पड़ा है वहाँ पे, और कोई भी बेड में बेडशीट लगा हुआ नहीं, मतलब बद से बदतर स्थिति है। हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई हो और व्यवस्था में सुधार हो। हम सिविल सर्जन सर से भी बात किए हैं तो उन्होंने बोला नहीं, ऑक्सीजन का व्यवस्था तो वहाँ किया गया है। अब जब ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया है टंकी का, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक वाला क्यों लगाया गया? आखिर कहीं ना कहीं पूरा लापरवाही किया जा रहा है। हम लोग लगभग 10 बजे रात से धरना में बैठे हैं, और जब तक एक ठोस पहल इस पर कार्रवाई नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे।